नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। ये खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर रिक्शा स्टैंड पर नुक्कड़ नाटक व गीत के माध्यम से महिलाओं को जागरूक किया गया। आपको बता दें कि आजमगढ़ के रिक्शा स्टैंड पर नुक्कड़ नाटक व गीत के माध्यम से महिलाओं को जागरूक किया गया। वहीं हेल्पलाइन नंबर 1090 के बारे में जानकारी भी दी गई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग लखनऊ के आदेश के क्रम में सूचना विभाग आजमगढ़ के सौजन्य से मशहूर लोकगीत कलाकार मुन्ना लाल यादव की टीम ने शहर के रिक्शा स्टैंड पर सरकार की योजना महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 की जानकारी देते हुए लोगों को गीत व नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक किया। इस दौरान लोकगीत कलाकार मुन्ना लाल यादव ने बताया कि आए दिन बच्चियों व महिलाओं के साथ छेड़खानी की वारदात सुनने को मिलती है। इसके लिए सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1090 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। बच्चियों व महिलाओं को डरने की जरूरत नहीं है। हेल्पलाइन की मदद से वह अपनी शिकायत पुलिस को दर्ज करा सकते हैं। उनकी पहचान गोपनीय रखते हुए आरोपी पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम तो मुन्ना लाल यादव है। किस संबंध में यह कार्यक्रम किया जा रहा है? ये मुनाल संस्थान का कार्यक्रम, हम लोग हैं विमेन पावर लाइन 1090 नंबर के जन जागरूकता के लिए हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। जन जागरूकता का सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा यह कार्यक्रम निर्देशित किया गया है और सभी थाना, सभी ब्लॉक, DM कार्यालय से लेके SP कार्यालय और कोतवाली, हर जगह पे कार्यक्रम होने हैं। थानाध्यक्ष महोदय, SP महोदय और DM साहब के देखरेख में, सूचना जनसंपर्क विभाग के अधिकारी महोदय के देखरेख में यह कार्यक्रम जनपद में चलने हैं। ये महिलाओं को आए दिन छेड़ा जाता है, बेटियों को छेड़ा जाता है, गार्जियन लाचार हो जाते हैं, उनकी पढ़ाई अवरुद्ध हो जाती है। हाई स्कूल इंटर करके बेचारी इसी वारदात के नाते लोग छुड़वा देते हैं। तो बेटियां अब डरे नहीं, बेटियों के लिए सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस तत्पर है। अगर कहीं भी किसी बेटी के साथ छेड़ने का प्रयास कोई करता है या मोबाइल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा या उसे फेसबुक व्हाट्सएप के द्वारा अगर परेशान किया जाता है, अनावश्यक कॉल के द्वारा परेशान किया जाता है, तो उसके लिए वो 1090 नंबर पर कॉल कर सकती हैं और उसकी जानकारी गोपनीय रखते हुए